काहे का झूठी ये झुके झुकती रसिकनी कहे तहे रसिक बिहारी कहे तहे रसिक बिहारी मुख पट ओ मुख पट ओ कर प्यार मुख पट ओ तू जो इता तू जो इता हट करत चतुर प्रिया चतुर प्रिया चतुर प्रिया चतुर रति के चिन्ह देखियत निहार रति के चिन्ह देखियत निहार मुख पट ओट न कर मुख पट नव किशोर नव किशोर किशोरे मिले किशोरी मान तजे किशोरी किशोरी नव किशोरी मिले किशोरी मान तजे बिहारी नदास बलिहार
स्वामी जी महाराज की जय। जी महाराज की वृंदावन चंद जू की जय। समस्ताचार्य वृंदन की जय। गुरुदेव शरणारविंद की जय। जय जय श्री हरिदास। रसिक प्रेमी जनों, पूर्व प्रसंग में आपने आचार्य प्रवर श्री स्वामी पीतामहर देव जी महाराज का चरित्र श्रवण किया। श्री स्वामी रसिक अनन्य श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज की वाणी, उनकी पदावली, सिद्धांत पक्ष आप श्रवण कर रहे थे पूर्व करीब एक महीने पहले, तो अपने मन को पुनः श्री स्वामी आचार्य प्रवर बिहारी देव जी महाराज की वाणी के श्री चरणों में समर्पित करिए और भाव से श्रवण करिए। बोलो स्वामी जी महाराज की। महाराज श्री कहें, अपनी चलो गैल पहचानी, अपनी चलो गैल पहचानी। हे प्रेमी रसिक जनों, तुम्हारी जो गैल है, रास्ता है, जो मग है, पथ है, उसको पहचानो। तुम स्वामी जी के अनुगत हो, दास हो, या रास्ता को पकड़ो है, तुम हरि के दास हो, बिहारी बहन के दास हो, तुम्हारा रास्ता अलग है। प्रेमी जनों, अभिमानियों का रास्ता अलग है, हरि दीनन पे कृपा कर। जहाँ अभिमान होता है वहाँ हरि नहीं होते हैं। तित जिन चेतावा हो, बेतावा हो बोध जेता, चलत जगत अभिमानी, अपनी चलो गेल पहचानी। महाराज श्री कहे हैं, तित जिन चेतावा हो, भूलो भूल में उधर की तरफ मत देखो, बेतबाह हो बुध जित, जितको देखेवे ते जिनको संग करवे ते बुद्धि खराब हो जावे है। बेतबाह बुध जित, बेतबाह बीत जावे है, बुद्धि समाप्त हो जावे, खराब हो जावे। बेतबाह बुद्धि जित, वह रास्ता को मत अपना। चलत जगत अभिमानी, ये अभिमानी जगत ने जिस रास्ता को पकड़ रखा है, इस बहरमुख रास्ता के फलस्वरूप अनंत जन्म नरकों की यात्राएं भुगतते भुगतते बीतते हैं। इसलिए प्रेमी रसिक जनों, भक्त जनों, तुमको वो रास्ता नहीं पकड़ना। हरिजन तो हारे भले, हरिजन तो हारे भले, जी तो भलो संसार। हारे जीते जम के द्वार, हारे हरिपुर जाएंगे और जीते जम के द्वार। जो संसार में जीत मानते हैं संसार के तौर पे, महाराज श्री आचार्य जन बोलते हैं उनको यमलोक पूरी मिलेगी। और जो अपने को दीनहीन हारे हुए मानते हैं, सब अपमान भी सहन कर लेते हैं, सब दीन भाव में बिहारी विहारन का चिंतन मनन करते हैं, उनको बिहारी विहारन प्राप्त हो। तो जित चलत जगत अभिमानी, किसी ने कहा हम दूध इतना पी लेते हैं, किसी ने कहा हम पानी इतना पी लेते हैं, किसी ने कहा हम घी इतना खा लेते हैं, पी लेते हैं,
आचार्य महानुभाव गुरुजनन ने कही, भैया सबसे बड़ा पीना अपमान का घूंट, उसको पी के दिखाओ अपमान के घूंट को। अपमान अनादर का घूंट जिसने पिया वो बड़भागी है। उसको अगर हरि भक्त है, हरि के चरणों में अनुराग है, अपमान से भय नहीं लगता है, सहज भाव में सहन करने की शक्ति होती है, सहन कर लेते हैं, वो दूसरों का भी कल्याण कर देते हैं और अपना भी कल्याण कर लेते हैं। ये भी अभिमान की ही शाखा है। तो तित जिन चेतवा हो बेतवा हो बोध जित, तो भक्तों का रास्ता, रसिकों का रास्ता, संतों का रास्ता, हरि मिलन के लक्ष्य में जिनकी बुद्धि है उनका रास्ता अलग होता है। वो जो अभिमानी जगत चल रहा है उस रास्ते को नहीं पकड़ते हैं। जहां असूया हिंसा, जहां हिंसा होती है, जीव हत्या नाना प्रकार की और दूसरों की निंदा होती है, जहां असूया हिंसा, कोई कुछ कहना है किसी के बारे में सिद्धांत रूप में थोड़ा कह लीजिए, समझ लीजिए उसको हृदय में, कहा उनका संग नहीं करना है थोड़ा, बाकी किसी की निंदा करने, चर्चा का विषय बनाना, वो रास्ता खराब हो जाएगा। अगर उसके अंदर अवगुण हैं बहुत, उनका संग मत करिए, तुमको अवगुण दिख रहे हैं। उनकी मामूली सी चर्चा करके, तनक सी थोड़ा सिद्धांत को परिपक्व करने के लिए उनका संग नहीं करना है, फिर बाद में उनकी चर्चा भी, उनकी निंदा भी मत करिए, नहीं तो निंदा करते रहेंगे तो उनके अवगुण अपने पास ही आ जाएंगे, वो निर्मल हो जाएंगे और तुम अवगुण की खान बन जाओगे। बोलो बिहारी जी महाराज की। इसलिए भक्तों का, रसकों का, संतों का रास्ता अलग है। हरिजन तो अभी सुनाना, हरिजन तो हारे बले, एक एक पक्कू संभाल के चलना, गुरु आज्ञा में, संतों की आज्ञा में, दृढ़ता से समझ समझ के हमको संग किसका करना। तो जहां असूया, असूया माने निंदा, हिंसा, अस्पर्धा और तहां तहां भक्ति नशा, होड़ करते हैं संसारी लोगों की, संसारी आचरणों की, जहां होड़ करते हैं तो भक्ति का नाश हो जाता है। भाई वो तो फलाने, तो फलानी चीज देख रहे, तो हम देख लें तो काहे जाए, वो देख रहे हैं तो देखो, तुम मत देखो। महाराज नाना प्रकार की बातें हैं, टेलीविजन में, मोबाइल में अमृत भी है और विष भी है, विष और अमृत दोनों के दोनों मौजूद हैं। क्या दूसरे लोग फिल्म देख रहे हैं कि तुम भी देखोगे? क्या मारे जाओगे निश्चित? श्री स्वामी बिहारिंद जी महाराज कह रहे हैं, एक तो कुकर भूसनो और दीनो हुलकाय, बिहारी दास क्यों बच सके बबक कांध चढ़ खाए। एक तो कुत्ता वैसे ही भूसवे वारो और काठवे वारो है, और फिर तुमको उनको जो है लागे लागे बेटा ऐसे और कर दो तो वो कंधा पे चढ़ के ही खा जाएगा। ऐसे ही एक तो ये मन है वैसे ही पागल है, अनंत जन्मन से बिगड़ो भयो है, इसने संसार ही संसार देखा है, संसार में बार 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 भागता है, है? और फिर उनको, इस मन को तुम फिल्म दिखाओ, अन्य तरह की वार्ता सुनाओ, अन्य तरह का संग कराओ, तो ये फिर तुमको बाकी नहीं छोड़ेगा, नरकों में खींच के ले जाएगा। बोलो बिहारी जी महाराज की। इसलिए बहुत सावधान, हर समय बड़ा सावधान रहना है। तुम्हारा श्री कहें, अपनी चलो गैल पहचानी। हे रसिक प्रेमियों,
कठिन सा तो लगेगा, दूसरों की निंदा करना गुड़ से भी ज़्यादा मीठा लगता है, फिल्म देखना गुड़ से भी ज़्यादा मीठा लिखना है, बड़ा अच्छा सा दिखता है लगता है। लेकिन इनको दृढ़ता से और विवेक को अग्र करके इनको छोड़ोगे, छोड़ने के बाद कुछ समय के बाद जब सुख समझोगे तो उस सुख से करोड़ों गुना सुख होता है। बिहारी बिहारी के श्री चरणों का चिंतन का साधना का जो सुख है, ये संसारिक विषयों के जो सुख हैं प्रारंभ में अमृत जैसे लगते हैं, लेकिन इसका परिणाम विष के बराबर होता है। और परमार्थिक जो सुख होता है वो प्रारंभ में ऐसा लगता है बड़ा कठिन है, विष जैसा, संसारी सुखों को छोड़ के इसमें मन लगाना विष जैसा लगता है प्रारंभिक जो अनभिज्ञ साधकों को, लेकिन उसका परिणाम प्यारे प्रेमीजनों अमृत है, सदा सदा अमृत है। इसलिए एक एक आचरण पर ध्यान देना है, एक एक क्रिया पर कृति वृत्ति पर ध्यान देना है। हमको बिहारी बिहारन का रसिक, बिहारी बिहारन की सहचरी दासी, अपने गुरुजनों के लाडले स्वामी जी बिहारी जी महाराज के अनुगत हम अनन्य श्री स्वामी हरदास वंशी, हम स्वामी जी के वंशज हैं, हम स्वामी जी के श्री चरणों में अनुराग करते हैं और हमारा मन कहीं नहीं जाना चाहिए। ये बहादुरी और शूरवीरता है। इस तरीके से रहनी निभा के एक बार स्वामी गुण गाए तो आवागमन भरम मिट जाए। एक बार स्वामी जी का इस तरीके से अनन्नृत्य करते हुए गुण गा लिए तो नाना जन्मों का जो आवागमन का चक्कर है वो समाप्त हो जाएगा, बिहारी बिहारी की सहचरी सुख प्राप्त हो जाएगा। अंग संगनी से बोलो स्वामी जी महाराज तो अपनी चलो गैल पहचानी, माला मंदिर को वंदन करे भज सत्संग समानी। हे प्रेमी रसको, वैष्णव कोई भी है उनका आदर करिए, अगर तुम्हारे पास आए हैं उनका सहज यथा सामर्थ्य सम्मान करिए। कहीं जा रहे हो किसी कारण से किसी मंदिर में, मंदिर को वंदन करिए, हाथ जोड़ प्रणाम करें, इसको वंदन कहते हैं। तुम माला मंदिर को वंदन कर, ये नहीं है कि तुम दर्शन करते ही डोलो, कहीं किसी कारण से किसी कार्य से किसी सेवा से कहीं स्वामी जी बिहारी जी महाराज के अलावा कोई मंदिर है भगवत स्वरूपों का वहाँ गए हैं तो हाथ जोड़ के प्रणाम करे श्री हरदास ऐसे करके, इसको कहते हैं बंदना, हाथ जोड़ के प्रणाम करें श्री हरदास ऐसे। तो अच्छा हो गया इस तरीके से। तो महाराज कहते हैं निर्वैर है के, ये निर्वैर अवस्था हो गई, द्वेष रहित अवस्था हो गई, प्रणाम किया तो माला और मंदिर को, तुलसी की माला है वैष्णवता का भेष है तो उनका अनादर नहीं करना है। मंदिर में कहीं जाना हुआ है किसी सेवा के कारण तो वहाँ श्री हरदास करके प्रणाम करना है। प्रेमी रस को प्रणाम में और दंडवत में अंतर है। बोलो बिहारी जी महाराज की। तो ये भेद निजी रूप से अपने रसकों से समझ लेना चाहिए, प्रणाम में और दंडवत में क्या भेद है जी। इस तरीके से तू जहां सुया माला मंदिर को वंदन कर भज सत्संग समानी। साष्टांग दंडवत अपने इष्ट अथवा अपने इष्ट के अनुगत जनों को की जाती है और जितने भी वैष्णव जन हैं सबका आदर किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। वैष्णव
यानी भगवत स्वरूप होके मंदिर और वैष्णव जन, ये बड़ों से सीखा है, बड़ों ने समझाया है। बोलो स्वामी जी महाराज। भज सत्संग समानी। अब हमको सत्संग संग कौन का करना है जी, एक एक क्रिया को समझना है। समानी अपने सजातियों का सत्संग, कौन का, जो बिहारी बिहारन का रजस सुना में, अन्य कोई वार्ता न सुना के बिहारी जी का रस जस सुना। जो न सजाती संग मिले तो साधन कियो न जाए। क्यों जी, कि बिहारी दास हरिदास जस कहे तो सुनत समझा। क्यों, बिहारी जी महाराज का रस जस तो ये सजाती कह के सुनाएंगे, अगर अन्य तरह की कोई संसारी नाना प्रकार की बातें अथवा अन्य बातें तो बराबर बराबर उन पर यही चर्चा है, बराबर रोजाना के रोजाना उनका संग नहीं करना चाहिए। बोलो स्वामी जी। तुम माला मंदिर को बंदन कर भज सत्संग समानी। एकमात्र जहाँ जिस संघ के द्वारा बिहारी बिहारन के श्री चरणों में अनन्य रति होती हो, भजन बढ़ता हो, साधना बढ़ती हो, उनका संग करना चाहिए। तिनको संग करे हरिदास इनको जिन तन ताप सिरानी। जो बिहारी बिहारन के दास हैं, जिनके संग से दैविक दैहिक भौतिक ताप सबका नाश हो जाता है, उनका संग कर। बोलो स्वामी जी महाराज की। या पद को और भी भाव रह गया है, आप कल के प्रसंग में सुनेंगे, आज इतना ही। प्रेमी मन मेरे भजिले श्री कुंज बिहारी, मन मेरे भजिले श्री कुंज बिहारी, कुंज बिहारी वाके बिहारी। Thank you.
मन मेरे बाजिले, मन मेरे बाजिले। स्वामी जी महाराज की जय, बिहारी जी महाराज की जय, वृंदावन संजू की जय, समस्त आचार्य वृंदन की जय, गुरुदेव शरणारविंद की जय, रंगीले बिहारी बिहारिन की जय, श्री स्वामी बिहारिंदेव जी महाराज की जय, जय जय श्री हरिदास।